दोस्तों अभी एक फैक्ट्री का प्लान है, ओके? उसको वास्तु की गरज है, ऐसा लग रहा है। फैक्ट्री ठीक नहीं चल रही है, प्रॉफिट्स नहीं हो रहे, जब से चालू किया तब से स्ट्रगल ही है, ओके? तो वो क्यों है ये पहले समझो। तो अभी इधर साउथ वाला रोड अपने को दिखाई रहा है और ईस्ट बाउंड्री दिखाई दी है। वेस्ट में उनके पास बहुत जगह है, नॉर्थ में उनके पास बहुत जगह है, ओके? तो वो बाउंड्रीज दिखाई नहीं है। सेंटर इधर है ब्रह्मस्थान, ये वेस्ट है, सामने ईस्ट है, ये इधर साउथ है और ऊपर नॉर्थ है। ये सब आइडियाज क्लियर है अपनी। साउथ में रोड है तो क्या होता है, अब इधर ना दो एंट्रीज है, यहां पर कहां पर एंट्री अपने को मालूम नहीं, लेकिन ट्रक्स वहां से आते हैं। ये कंपनी है, यहां पर कुछ प्रोडक्शन होता है, हम लोग समझते हैं कि कुछ स्टील फैब्रिकेशन होता है, ओके? वैसा समझो, या कुछ स्टील मोल्डिंग बिल्डिंग का काम होता है, या समझो कि कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो उसमें क्या होगा, ये सब चीजें होगी, प्रोडक्शन वर्क्स वगैरह होगा, वर्क इन प्रोग्रेस होगा, पैकिंग होगा, फिनिश गुड्स रखने का, स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल, स्टोरेज ऑफ फिनिश गुड्स वगैरह वगैरह सब चीजें रहेंगी। तो ट्रक्स आते हैं नॉर्थ ईस्ट से, यहां पर घूमते हैं या यहां पर आते हैं, और ट्रक्स का माल यहां पर आता है, यानी रॉ मटेरियल यहां पर एंट्री करता है, ओके? और फिनिश मटेरियल यहां से बाहर निकलता है। ये इन और आउट फैक्ट्री का है, क्योंकि रोड इधर है, ये कहीं से पीछे से गांव से घूमकर ट्रक्स उधर से आते हैं, या बाजू में रोड होगा, लेकिन ट्रक्स एंट्री वहां से लेते हैं। और ये मेन रोड है जहां पर लोग आते जाते हैं, चल सकते हैं। तो यहां पर एक गेट दिया है, दिस इज कॉल्ड एज द मेन गेट, ओके? ये इनका मेन गेट आया साउथ में, वो भी साउथ वेस्ट की तरफ आया, यानी वहां पर ही क्यों कंपनी नहीं चल रही है ठीक से, अपने को रीजन मिल जाता है। यहां से सब बॉस बीस एग्जीक्यूटिव वगैरह एमडी बीमडी सब यहां से आते हैं, तो उनका कार पार्किंग इधर है, एग्जीक्यूटिव कार पार्किंग इधर है, ओके? यहां पर एक छोटा सा फेंस किया है, लेकिन इस फेंस में से वर्कर्स भी यहीं से आते हैं, वहां से वर्कर, क्योंकि बहुत बड़ा प्लॉट है आगे, कहां से आएंगे चल के चल के, तो रोड से ही आते हैं। तो वर्कर्स यहां से आते हैं, उनका एक साइकिल स्टैंड इधर बना कर रखा है, ओके? और मोटरसाइकिल भी इधर लगा सकते हैं, टू व्हीलर का भी स्टैंड इधर है। लेकिन इधर एक चीज ऑब्जर्व करो, साउथ साइड पे रोड है, मेन डोर मेन गेट कंपनी का साउथ साइड पे आया, साइकिलें लगती है, मोटरसाइकिल लगती है साउथ ईस्ट में, और साउथ ईस्ट कॉर्नर जो अग्नेय होना चाहिए वहां पर एक वाटर स्टोरेज सिस्टम है। इस पूरे फैक्ट्री का वाटर सप्लाई वहां से, यानी वो गलत चीज है, वो उधर होना नहीं चाहिए। अच्छा चलो इस फैक्ट्री में आते हैं, अंदर वर्कर आ गए या बॉस भी आ गए, तो पहले ले समझ लेते हैं। ये यहां पर लॉबी है, वर्कर लोग कैंटीन में से यहां से अंदर फैक्ट्री के अंदर जा सकते हैं, यानी यहां पर ऐसा वर्कर लोगों के लिए कैंटीन, वर्कर्स का कैंटीन है, ओके? और एक वर्कर के लिए टॉयलेट ब्लॉक इधर दिया हुआ है। यहां पर देखोगे तो एक रूम है, बहुत बड़ी रूम है, उसको हम लोग कहेंगे ग्राउंड फ्लोर पे कॉन्फ्रेंस रूम है, ओके? ग्राउंड फ्लोर से ऊपर और एक मेजरनाइन फ्लोर बनाया हुआ है, फुल साइज का मेजरनाइन फ्लोर है, लेकिन वो बनाया हुआ है, यानी फैब्रिकेटेड फ्लोर है ऊपर। वो फ्लोर आपका ऑफिस बन सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बन सकता है, वहां पर से पूरा फैक्ट्री कंट्रोल होता है। और यहां पर पूरी कांच की विंडोज लगी हुई है फर्स्ट फ्लोर पे, तो फैक्ट्री में क्या चल रहा है किधर वो दिखता है, ओके? यानी जो बॉस भी है वो सब इधर फर्स्ट फ्लोर पर बैठ रहे हैं। इधर इस साइड पर, साउथ ईस्ट साइड पे R&D और क्वालिटी कंट्रोल, यानी ये पूरा लेबोरेटरी विंग है, वो भी ग्राउंड प्लस वन है। ये ग्राउंड प्लस वन है, ये ग्राउंड प्लस वन है, ये थोड़ा नीचे आ गया क्योंकि वर्कर्स का है, तो कैंटीन यानी एक फ्लोर का इधर स्ट्रक्चर है, इधर टॉयलेट ब्लॉक भी एक फ्लोर का है, लेकिन यहां से ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे एग्जीक्यूटिव टॉयलेट ब्लॉक भी इधर ही है, छोटा सा ऐसा ये डाला है, फ्लोरिंग डाला है, यहां से लोग इधर आ सकते। इनके ऑफिस में जो काम करते हैं, यानी फर्स्ट फ्लोर है इधर भी, लेकिन उतना हाइट नहीं है, लेकिन इनके कैंटीन में जो सब काम करते हैं उनका लंच रूम ये है, ये ऑफिस में जो काम करते हैं, और एग्जीक्यूटिव अपने अपने कैबिन में, इधर इनकी कैबिन से वो अपने अपने कैबिन में अपना लंच बॉक्स खाते हैं। वर्कर्स सब इधर, यानी कैंटीन ऊपर भी है नीचे भी है, टॉयलेट ब्लॉक ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन इस ये मेरा हाइट में ज्यादा है, और सबसे हाइट में ज्यादा ये है, ये 30 मीटर की हाइट है, ओके? बहुत बड़ा हैंगर जैसा
ये स्ट्रक्चर है, ये उतने हाइट का नहीं है, ये उससे भी छोटा हाइट का है, ये इस हाइट का ये है। तो यानी साउथ में क्या हुआ, ये जगह है 30 मीटर हाइट और ये लगभग 20 मीटर हाइट के है, 20 भी नहीं होगा, ये दो फ्लोर के जितना है ये। ओके, यानी साउथ में आपका नीचे आया, बीच में ऊपर गया, और 30 मीटर की हाइट यहां पर अलग है, ये पूरे विंग में, ये पूरे स्ट्रक्चर में 30 मीटर की हाइट है, ये उतने हाइट के नहीं है। यानी साउथ में आपकी जगह नीचे हो गई, विच इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। साउथ इज लोअर देन द नॉर्थ, ये प्रॉब्लम हो गया। इधर साउथ ईस्ट में वाटर आ गया, ये प्रॉब्लम हो गया। अब यहां पर चलते हैं, फैक्ट्री में चलते हैं। फैक्ट्री का क्या, रॉ मटेरियल सब इधर से आता है, तो इधर स्टोरेज बना दिया उन लोगों ने फैक्ट्री का एक। इनका हीटिंग प्रोसेसिंग जो भी चल रहा है वो इधर रखा है नॉर्थ वेस्ट में। जो भी प्रोसेस प्रोडक्शन वर्क वगैरह चलता है, हीट बीट एलिमेंट जो है वो सब इधर है। क्यों? क्योंकि बाहर देखो फैक्ट्री के पावर सप्लाई नॉर्थ में आ गया, नॉर्थ वेस्ट में आ गया, तो यहां पर प्रोडक्शन हीटिंग, यानी बड़े बड़े केबल्स डालने के नहीं इधर उधर, तो उधर ही बना लिया। फिर वर्क इन प्रोसेस, यानी वो जो पहला फैब्रिकेशन होता है उसके बाद आगे माल चलेगा, उसको पॉलिश करेंगे, रफ उसका सैंडिंग करेंगे वगैरह, वो सब इधर चलता है। ओके, यहां पर प्रोडक्ट इज फिनिश्ड, तो क्यूसी वाले आके इधर चेक करेंगे, समझो कि दवाई बवाई है, तो यहां से उठा के बिफोर पैकिंग यहां से उठा के क्यूसी में जाना पड़ेगा, क्वालिटी कंट्रोल में जाना पड़ेगा, वहां पर सैंपल चेक होंगे, फिर पैकिंग में आएंगे, पैकिंग में आएंगे, यहां पर फिनिश गुड्स इधर आते हैं। अब ये पूरा जो प्रोडक्शन लाइन है यही गलत गया इनका, समझो। ये रॉ मटेरियल स्टोरेज अगर इधर आता तो बहुत अच्छा फायदा होता, और ये हीटिंग पावर सप्लाई वगैरह सब इधर आना चाहिए था। ये जब फैक्ट्री बांध रहे थे तभी पावर सप्लाई को इधर ला सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा यहां पर एक वाटर सोर्स बनाना है, वो गलत किया, वाटर सोर्स इधर होना चाहिए था। ओके, तो ये प्रॉब्लम्स है। वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक नॉर्थ ईस्ट में होनी चाहिए थी, जगह भी है उनके पास, लेकिन उधर नहीं बनाई, यहां पर पावर सप्लाई टावर लेकर आए, तो यहां पर हीटिंग आया। नॉर्थ वेस्ट में जो आपका मार्केटिंग कॉर्नर है वहां पर आप हीटिंग करोगे तो क्या होगा, आपका माल बिकने वाला ही नहीं है, यहां पर हीट होनी नहीं चाहिए, लेकिन आपने हीटिंग एलिमेंट सब उधर ही लाए। वर्क इन प्रोग्रेस, यहां पर पैकिंग लाया, एक बार पैकिंग हुआ फिनिश गुड जमा हो जाएंगे। साउथ वेस्ट में आप पैकिंग करोगे तो क्या होगा, यानी फैक्ट्री फ्लोर में भी प्रॉब्लम है, फ्लो ऑफ द गुड्स इज नॉट इन द राइट वे, और मटेरियल निकल रहा है बाहर कहां से, ईस्ट से। मटेरियल कहां से बाहर निकलना चाहिए था, नॉर्थ वेस्ट से निकलना चाहिए था। तो ये सब प्रॉब्लम्स है। ओके, अब पूरे फैक्ट्री को अगर अपन देखते हैं तो टॉयलेट ब्लॉक साउथ वेस्ट में आ गया, कैंटीन साउथ वेस्ट में आ गया, एंट्री साउथ से आ गई, ये सब डिफिकल्टीज है। और आप देखो इधर नॉर्थ ईस्ट है ही नहीं। ओके, ईस्ट भी कटा हुआ है। ये पूरा फैक्ट्री को यहां से देखेंगे तो ये ऐसा बनाना चाहिए, तो उसके ये सब डिफिकल्टीज ओवरकम कर सकते हैं हम लोग पिरामिड्स लगाकर। लेकिन अभी मैंने आपको डिफिकल्टीज बता दी, क्या करेंगे, टॉयलेट ब्लॉक को इंसुलेट करेंगे और उसको कहीं पर नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट की तरफ या इधर कहीं पर शिफ्ट कर देंगे टॉयलेट ब्लॉक को, या वेस्ट में लाओ या साउथ में लाओ, तो टॉयलेट ब्लॉक कट करके ला सकते हैं। कैंटीन में हीटिंग वगैरह रहेगा तो इसको साउथ ईस्ट में शिफ्ट करो। ओके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी वहां पर हीटिंग चलता है, लेकिन ये कैंटीन को इधर शिफ्ट करो। ऑफिस ब्लॉक इधर सही नहीं है, इधर आना चाहिए, तो उसको इधर शिफ्ट करो। हीटिंग प्रोडक्शन वर्क अभी बना दिया है तो वहां से हिलने वाला नहीं है। ओके, तो पहले ये टावर को आइसोलेट करो और ये जगह आइसोलेट करके इधर साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में घुमाओ, क्योंकि हीटिंग वर्क चल रहा है। ओके, फिनिश गुड्स आप इधर पैक करने चाहिए थे तो इधर आ गया, तो इसको भी, इस एरिया को भी आइसोलेट करो और इसको इधर मूव करो। ये सब करोगे तो यहां पर इस कंपनी में प्रॉफिट दिखेंगे। तो दोस्तों अभी मैंने इधर क्या क्या बताया आपको, ये पूरा कंप्लीट करना चाहिए, ये हीटिंग प्रोडक्शन इधर आना चाहिए क्योंकि हीटिंग साउथ ईस्ट में आने चाहिए। ओके, फिनिश गुड्स नॉर्थ वेस्ट में जाने चाहिए। ये सब, ये टॉयलेट यहां से निकालना है, कैंटीन यहां से निकालना है, कॉन्फ्रेंस रूम या ऑफिस ब्लॉक इधर साउथ वेस्ट में लाना है, ये सब अगर करना है तो ये फैक्ट्री पूरी रीऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी, वो बहुत महंगा पड़ेगा और प्रोडक्शन 15-20 दिन के लिए रुकेगा।
हम लोग ये सब, ये मैं बोला ना इधर आइसोलेट करो या आइसोलेट करो, हम लोग ये सब आइसोलेशन पिरामिड से कर सकते हैं और शिफ्ट पिरामिड से हम लोग ये जगह चेंज कर सकते हैं। ओके, आप ईस्ट का एग्जिट है उसको बंद करके नॉर्थ में भी बना सकते हैं एनर्जेटिकली, रहेगा उधर ही, लेकिन पिरामिड यूज करने से एनर्जेटिकली वर्चुअली आप ये इधर का एग्जिट इधर ला सकते हो और उधर लाओगे तो ज्यादा फायदा होगा। तो यूजिंग पिरामिड हम लोग ये सब डिफिकल्टीज ओवरकम कर सकते हैं। थैंक यू।